क्या आपने देसी पिया था या महुआनी पिया था या किंगफिशर पिया था, क्या पिया था? कितना तगड़ा नशा हुआ था कि जेल में एकदम आके अरे सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा पान पाता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा पान पाता। क्या पिटाई उटाई भी हुआ था? देखिए सर, पिटाई की बात नहीं, वहाँ पे इज्जत हमको मिला बहुत अच्छे से, जेल में बंद करके इज्जत मिला। तो ऐसा काम करके जाएंगे तो कैसा जेल से बेल कैसे हुआ? जेल से बेल कोनो बड़ा अपराध थोड़ो किए थे कि बेल करवाना पड़ेगा। कि हमारे देहात में टमाटर और बैंगन का बहुत मान्य रखते हैं लोग जी, ये चटनी कभी बनता है, कभी उसका चोखा बनता है, इसलिए हर एक जुबान पर टमाटर और बैंगन जरूर रहता है सर। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आपने देसी कलाकार गांव से शहर से ये कहे कि कस्बे से निकलते हुए देखा होगा, पर पहली बार मैं आप सभी को जेल से स्टार निकलते हुए दिखा रहा हूं। आज हमारे साथ कन्हैया राज है, कैसे हैं सर? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। पता था आपको रातों रात आप वायरल हो जाएंगे? नहीं सर, ये हमको पता नहीं था। पता नहीं था, लेकिन पता चला तो बहुत खुशी महसूस हुआ हमको। अच्छा, आपका बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काफ़ी स्टारों ने भी शेयर किया है, बॉलीवुड के स्टार ने शेयर किया है, भोजपुरी के स्टार ने शेयर किया है, और तमाम मीडिया, डिजिटल मीडिया हुआ, टीवी मीडिया आपको दिखा रही है। मैं चाहूँगा कि पहले वो गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अरे सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा पान पाता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा पान पाता। वाह क्या बात है। आप पे आरोप है कि आप शराब पीकर जेल गए थे, तो क्या आपने देसी पिया था या महुआनी पिया था या किंगफिशर पिया था, क्या पिया था? कितना तगड़ा नशा हुआ था कि जेल में एकदम आके हिट? अभी जिंदगी में बस देखे हैं सिगरेट, दारू, कोनो दारू तो हम देखे नहीं किए, नजर भगवानी नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, भगवान नहीं देखे, कुछ नहीं, एकदम नहीं देखे। चलिए, तो गाना लाए हैं शराब को लेकर, शराब छोड़ दो, और कहा यह जा रहा है कि आप शराब पीकर गए थे और जेल से आए तो कह रहे हैं कि शराब छोड़ दो, क्या पिटाई उटाई भी हुआ था? देखिए सर, पिटाई की बात नहीं, वहाँ पे इज्जत हमको मिला बहुत अच्छे से, जेल में बंद करके इज्जत मिला। तो ऐसा काम करके जाएंगे तो कैसा इज्जत मिला? क्रिमिनल नहीं ना है कि लोग हमको मारेंगे पीटेंगे सर, नहीं, नहीं। हम कुछ बुराई करके जेबे नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरा बर्ताव काहे लिए होगा? दरोगा जी तो आपका वीडियो बना रहे थे। दरोगा जी नहीं बनाए थे, और किसी ने बना लिया था वीडियो, उसमें हमको नहीं पता है। अच्छा, आपका ये कहा जा रहा है, आपको आरोप था कि आप शराब पीकर ये कहा गया है कि जेल गए थे, पर आप बाहर निकलते हैं और गाते हैं शराब छोड़ दो, क्या संकेत देना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं दर्शक को? देखिए, जो झूठा आरोप हमारा पर लगाया गया है, झूठा आरोप है, इसीलिए हमने गाया है गाना कि शराब छोड़ दो, और एक पत्नी भोजपुरी पर ये गाना आ गया है, आप लोग सुनिएगा जरूर, बहुत प्यारा सा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। थोड़ा सा ये गाना गुनगुना दीजिए आप, वही जेल वाले अंदाज में। कि कर तारा तू बेइज्जत नहीं खे गाँव में कवनो इज्जत, पी के आवेला तू डेली घरे आवेला तू भिजत, बात मानी सही हसे मुँह मोड़िला, शराब छोड़ द हो, शराब छोड़ द, शराब छोड़ द हो, शराब छोड़ द। क्या बात है। कब से गाना गा रहे हैं आप? 2018 से। अच्छा, भोजपुरी में आपका तो अभी नेम और फेम मिला है, ये कहे कि अभी ट्रेंडिंग में आए हैं कुछ गाने को लेकर, जेल गए थे तब से, किसको आप फॉलो करते हैं, किसको मान सम्मान करते हैं, किसको अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, हम सबको फॉलो करते हैं, और आप अच्छा कीजिएगा तो आपको भी फॉलो करेंगे कि कुछ सीखने का मिल जाए हमको। और देखिए, ऐसा बात नहीं है कि हम इनको फॉलो करते हैं, इनको नहीं, जो स्टार हैं, जो नहीं स्टार हैं, सबको देख कर हम सीखते हैं सर। किसका गाना आपको ज़्यादा पसंद आता है? क्योंकि जेल में तो आप किसी का गाना गाते हुए नजर आए थे।
सबका गाना गाते हैं। जेल में तो किसी एक का गाए थे, किसका नाम? पवन सिंह का। पवन सिंह का सबका गाना सुनते हैं, जरूरी थोड़े कि भैया के गाना सुनेंगे, सबका गाना सुनते हैं। सबका गाना सुनते जी। अच्छा, और होली के लेकर कितने सारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या क्या कुछ खास बातें जो अपने दर्शकों को बताना चाहिएगा? होली में ऐसा चीज लाएंगे कि जो लोग सोच नहीं सकते हैं जी। जो लोग गाते हैं कि फलानवा भी लोग गाते हैं ना होली में, तो हम ऐसा चीज़ नहीं गाएंगे, हम पारंपरिक सॉन्ग अच्छा समाज के लिए लाएंगे और बहुत अच्छा गाना लाएंगे। आपकी आवाज़ में एक छोटा सा होली का सॉन्ग हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, किसी का भी जो आपके पसंद हो। एक मेरा गाना पहले का है, वहीं सुना देते हैं जी। जी सुना लीजिए। कि दुगो लट्टा माटर एगो बैगन दे बुधार, दुगो लट्टा माटर एगो बैगन दे बुधार, होली भर खाल देही सुधार। क्या बात है। एक तरफ खेसारी लाल यादव गाते हैं टमाटर लाल लाल, और फिर कहते हैं टमाटर गाल लाल लाल, फिर कहते हैं लमका बैगन छोटका बैगन, आपने दोनों मिक्स कर दिया था। देखिए, मिक्स इसीलिए किया गया है कि हमारे देहात में टमाटर और बैगन का बहुत मान्य रखते हैं लोग जी। ये चटनी कभी बनता है, कभी उसका चोखा बनता है, इसीलिए हर एक जुबान पर टमाटर और बैगन जरूर रहता है सर, इसीलिए टारगेट लोग उसी को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जब से आप फेमस हुए हैं, ट्रेंडिंग में आए हैं, तब से कितने गाने गा चुके हैं अभी तक, और कितने सारे गाने लेकर आने वाले हैं? लगभग हमको 30-40 गाना मैंने गाया है, और अभी लगता है 2-3 गाना छूट गया है। एक मेरा ऑफिशियल पर गाना छूटा है, और कन्हैया राज ऑफिशियल पर जब जेल से बाहर निकले तब, और ये गाना जो छूटा है हॉट मिक्स भोजपुरी पर है। एक बंधन फिल्म्स पर गाना छूटने वाला है, लगता है आधा घंटा में वो भी छूट जाएगा। जेल से बेल कैसे हुआ? जेल से बेल कोनो बड़ा अपराध थोड़ो किए थे कि बेल करवाना पड़ेगा, वो दस्तखत था, किसी ने दरखास्त दे दिया था, इसीलिए हम अपने बड़े जो लोग थे उनका सम्मान किए, रात भर रहे वहाँ पर, सम्मान में रात भर रहना पड़ा। चलिए, वो सम्मान आपको बहुत ही आगे ले गया, और चाहेंगे कि ऐसी सम्मान बार बार मिले कि आप? नहीं सर, ऐसा सम्मान बार बार नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब जहाँ हम हैं बढ़िया जगह पर हैं, और आप लोग के बीच अच्छा और बहुत प्यारा सॉन्ग लेकर आते रहेंगे, आप लोग इसी आशीर्वाद प्यार द्वार बरसाते रहिए जी। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ कन्हैया राज, जो जेल से फेमस हुए हैं, और इनका गायकी का ये कही कि मिसाल आजकल बॉलीवुड भी दे रहा है, और भोजपुरी का तो बातें छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ तो हमेशा ही विवाद बना रहता है। वैसे इंटरव्यू के लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और कन्हैया राज को बहुत सारा प्यार दीजिए, अभी जेल से ऊपर आए हैं, इनको और हाई लेवल पे कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि कह दें, कहिए जो कहना है, अमेरिका के जेल में पहुंच जाए गाने की वजह से, अपनी गायकी की वजह से, कि वहां के भी लोग इनको सुने और जाने। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ आपका भाई रवि, जय हिंद।